बंदी करते हैं कि नहीं, हम व्यभिचार करते हैं कि नहीं, हम नशा पता दारू पीते हैं कि नहीं, हम झूठ बोलते हैं कि नहीं। स्वागत है आप सभी का, आप लोग देख रहे हैं बुदास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। हाथ जोड़ा अने मना साधो साधो साधो। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध धम्म संघ को त्रिभार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज विशेषतः लुम्बिनी नगर में लुम्बिनी बुद्ध विहार नांदेड में विशेष रूप से पूजनीय भिक्षु संघ प्राप्त हुआ है। संपूर्ण उपासक उपासिकाएं मिलके हम कार्यक्रम कर रहे हैं। तो यहाँ विशेषतः औरंगाबाद से आए पूजनीय भिक्खु बुद्ध भूषण, पूजनीय भंते विमल कीर्ति, पूजनीय भंते संगरत्न चार बुद्ध पुत्र भिक्खु सामनेर प्राप्त हुआ है। विशेषतः दो दिन डाबर बाबरी नगर महाविहार में अखिल भारतीय बौद्ध धर्म परिषद, तो वहीं आए हुए पूजने बनते यहाँ प्राप्त हुआ है। तो हम सबसे पहले बुद्ध धर्म संघ के शरण में जाके पांच शील प्रार्थना करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा बुद्धवाणी धर्म देशना और आशीर्वाद लेके कार्यक्रम समापन करेंगे। तो सर्वप्रथम पंचशील प्रार्थना करने के लिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही आप लोग कहते जाइए। साधु 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 अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। वदन कर स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संगो संगं नमामि। लोकासवन्दामि बन्ते द्वारतयेन कतं साबा अपराधं कमता मे बन्ते द्वितीयाम्पि तृतीयाम्पि लोकासाहं बन्ते सह पंचशीला तमं यचामि अनुगहं कत्वा शीलं देता मे बन्ते द्वितीयाम्पि तृतीयाम्पि यमहं वदामि तं वदेता आमन्ते। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तीन बार शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि
द्वितीयं पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयं पि भूतं शरणं गच्छामि तृतीयं पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं पि संघं शरणं गच्छामि ते शरणगमनं परिपूर्णं आमन्ते पानाति पाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि आदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरयो मज्जपमा दत्ताना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि ते शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। आराम से बैठिए। सर्वजन हाथ जरा अने मना साधो 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 स पाप सकरणं कुशल सौपसंपदा सचित्त परियोतपनं येतं बुद्धानुशासनं। किसी भी प्रकार के पाप न करना, हमेशा कुशल पुण्य कर्म करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, ये बुद्धों की शिक्षा है। सर्वप्रथम महाकारुणे तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज विशेषतः लुम्बिनी बुद्ध विहार में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ श्रामिरगण उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध होने के बाद, सभी दुखों से मुक्त होने के बाद, विमुक्ति सुख प्राप्त होने के बाद, अभी मैं बुद्ध बन गया, सम्यक संबुद्ध बन गया, मेरा जीवन सुख शांतमय हो गया करके केवल अकेले शांति से नहीं रहे। हम जैसे दुखी प्राणियों को दुख मुक्ति का मार्ग बताने के लिए गांव नगर जनपद देश देशांतर चारिका करते हुए धम्म का प्रचार प्रसार करते गए और उनके उपदेश सुन के न केवल सयों, न केवल हजारों, न केवल लाखों, करोड़ों लोगों ने बुद्ध के धम्म को समझा, अभ्यास किया और जीवन में आने वाले अनेक तरह के दुख तकलीफों से मुक्त हो गया, मार्ग फल लाभी हो गया,
कितने कितने श्रोता प्रतिफल, सकिदागामी फल, अनागामी फल, अरत फल, जो दुख मुक्ति का मार्ग फल है ना, उसमें भी प्रतिष्ठित हो गया। बहुत सारे लोगों का जीवन धन्य धन्य हो गया। तो ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के महाकरुणा है कि हम जैसे दुखी प्राणियों को दुख मुक्ति का मार्ग बताने के लिए ढेर सारे उपदेश दिए हैं। अभी महाकारुणिक तथागत बुद्ध जिस तरह ऐसे घर बार छोड़ के प्रवचित भिक्षु बनने वाले, भिक्षुनी बनने वाले को तीन चीजें सिखाते हैं, शीला, समाधि, प्रज्ञा। उसी तरह जो प्रवचित नहीं होते, घर ग्रस्त में ही रहते हैं, ऐसे ग्रस्त उपासक उपासिकाओं को, आप जैसे उपासक उपासिकाओं को तीन चीजें सिखाते हैं, दान, शीला, भावना। तथागत बुद्ध कहते हैं दानं ददन्तु सद्दाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए, त्याग चित्त से दान देना चाहिए। दान इसलिए भी देना चाहिए कि हमारे मन में हमेशा लोभ लालच रहता है, कुछ अच्छा दिखे, अरे वाह कितना अच्छा है, वो मुझे चाहिए, वो मेरा होना चाहिए, बस आंखों से देखा मुझे होना चाहिए, वो लोभ लालच जागा और दूर होने के साथ भूल गया, ऐसा होता है क्या? नहीं, एक बार लोभ लालच उत्पन्न हो गया तो कैसे भी हो किसी भी हालत में ते मला पाइजे तो पाइजे पाइजे, वो मुझे चाहिए तो चाहिए चाहिए। तो ऐसे लोभ लालच की वजह से इंसान हर तरह का पाप भी कर जाते हैं। उसके लिए ऐसा कोई पाप नहीं रहता जो वो नहीं कर सकता। इसलिए ये पाप को दबाने के लिए, हटाने के लिए दान देना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए। ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। जितना हम दान देंगे ना, उतना लोभ लालच को दमन कर पाएंगे, कम कर पाएंगे। अगर दान नहीं देंगे तो हमेशा लोभ लालच, मेरा 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 मेरा, मुझे 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 मुझे, ऐसा हो जाता है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं दूसरा, शीलं रखन्तु सर्वदा, शील हमेशा पालन करना चाहिए। शील बोले तो अच्छे आचरण व्यवहार, जो नियम है उसे पालन करना चाहिए। गृहस्थ में रहते हो ना, उपासक उपासिका बने हो ना, कम से कम ये पांच शील हमेशा पालन करना चाहिए। जो अभी अभी हमने पंचशील प्रार्थना किया, वो पांच शील क्या क्या है? पहला क्या है? पानातिपाता वेरमणि, प्राणी हिंसा नहीं करना। अद्दिनादाना वेरमणि, चोरी नहीं करना। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि, काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करना। मुसावादा वेरमणि, असत्य झूठ नहीं बोलना। सुरा मेलय मज्जपमादत्ताना वेरमणि, अमल नशा पता सेवन नहीं करना। ये पांच सील कम से कम अच्छे से पालन करना है। अतः मला सांगा, मुझे बताइए, कोई हिंसा करता है, किसी को मारता है, ऐसे लोग पसंद आता है हमें? चोरी करने वाले पसंद आता है? व्यभिचार करने वाला पसंद आता है? झूठ बोलने वाला पसंद आता है? दारू नशा पता पीने वाला पसंद आता है? नहीं आता। तो अगर हमें ऐसे लोग पसंद नहीं आते तो हम किसी को दुख कष्ट देते कि नहीं, किसी को मारते कि नहीं, हम चोरी करते कि नहीं, हम व्यभिचार करते कि नहीं, हम नशा पता दारू पीते कि नहीं, हम झूठ बोलते कि नहीं? हाँ, तो हमें पसंद नहीं है तो हम करेंगे तो दूसरों को भी पसंद नहीं आएगा। अत्तानं उपमंकत्वा, तथागत बुद्ध कहते अपने आप को उदाहरण के रूप में रखो और ऐसे काम मत करो। घर गृहस्थ में रह के सुख शांति पूर्वक रहना है तो ये पांच शील पालन करना है, और समय समय पर, है ना, आठ दिन में एक बार या 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार आठ शील अष्ट शील पालन करके उपोषित लेना है। और जब भी मौका मिले 10 दिन का श्रामनेर बन के, श्रामनेरी बन के 10 शील पालन करना। तो ऐसे शील हमेशा पालन करना चाहिए। पहला दान देना चाहिए, दूसरा शील पालन करना चाहिए, तीसरा है भावना विरता हुंतु, ध्यान भावना करना चाहिए।
ध्यान भावना माहिती आहे ना, पता है ना, हाँ, अपने आप को देख के अंतर्मुखी होके अपने आप को पहचानना, ध्यान साधना करना। जब हम ध्यान साधना करेंगे हम खुद को पहचानते हैं। वैसे कहते हैं ना, मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ, उसको तो बहुत अच्छे से पहचानता हूँ, उसको अच्छे से पहचानता हूँ। अरे दूसरों को पहचानता हूँ जानता हूँ बोलने वाले, क्या खुद को पहचाना है क्या? हम क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते जानते हैं क्या? हमें वास्तव में क्या दुख हो रहा है, क्या हमें वो पसंद नहीं आ रहा है, और वो दुख हो रहा है तो कैसे दुखों से मुक्त होना है जानते हैं क्या? नहीं। तो वो जब हम ध्यान भावना करने लगेंगे तो अच्छे से जानेंगे। इसलिए चंचल मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान भावना करना है, अशुद्ध मन को परिशुद्ध करने के लिए ध्यान भावना करना है। ध्यान भावना नहीं किया ना, मन एकाग्र नहीं होता, एकाग्र नहीं हुआ तो पढ़ने वाले पटापट पढ़ते जाएंगे, 10 पन्ना गया, अरे सामने क्या पढ़ा भूल गए। काम करने वाले ध्यान नहीं रहा तो पटापट झाड़ू मारते जाएंगे और कहाँ रह गया, कहाँ छूट गया पता ही नहीं। ध्यान नहीं रहा तो जो खाना बनाने वाले भी रोटी आधा जलेगा आधा नहीं पकेगा, या खाना भी अटपका हो जाएगा, अच्छा नहीं बनेगा। हर चीज में ध्यान चाहिए। ध्यान रहा तो मैत्री भावना भी आएगा, धैर्यता भी आएगा। ये धैर्यता मैत्री भावना ना होने से घर घर में लड़ाई झगड़ा होते हैं, साथ में रहने से बर्तन भी एक दूसरे से टकरा जाता है। इंसान तो आगे पीछे ऊपर नीचे तो होता ही है, और झगड़ा हो गया करके तेरे से मैं क्या कम हूँ करके अगर झगड़ा करके बैठेंगे तो वो झगड़ा तो और बड़ा हो जाएगा, और नौबत ऐसा आएगा किसी का सर फट गया, किसी का हाथ मोड़ गया, किसी का क्या हो गया, किसी का क्या हो गया, और इससे परिवार परिवार अलग अलग हो जाता है। थोड़ा सा धैर्य रखा, जब हम गुस्सा करेंगे, गुस्सा आता है तो ये करना है ये नहीं करना है, ये बोलना है ये नहीं बोलना है, क्या कंट्रोल होता है क्या? छोटे छोटे बच्चा भी ये देखो विनय, हाँ, गुस्सा आया करके उसके पापा को मारने लगा। अरे जब छोटे बच्चे गुस्सा को कंट्रोल नहीं करते तो बड़े है वो कैसे कंट्रोल करेगा, या कंट्रोल करना वो जानता ही नहीं है ना, तो कंट्रोल नहीं होगा, वो तो कुछ भी बोलेगा कुछ भी करेगा। तो ऐसे समय में सामने वाला भी मैं भी क्या कम करके उससे झगड़ने लगेंगे तो वहां तो विस्फोटी होगा। अरे बेचारा गुस्से में है, गुस्से में तो ऐसा बोलता ही है ऐसा करता ही है करके उसको निवांत अलग छोड़ के बाद में बात किया, जब उसका गुस्सा ठंडा होगा तब बात किया तो अच्छे से बातचीत हो सकता है। नहीं गुस्से में ही तुम्हारा ही दोष है तुम्हारा ही गलती है ऐसा करके बैठेंगे तो आग में घी डालने जैसा फिर वो झगड़ा बड़ा बड़ा हो जाता है, पूरा परिवार टूट जाता है, बहुत बड़ा बड़ा घटना हो जाता है। इसलिए वो मैत्री भाव करने के लिए, वो धैर्यता रखने के लिए भी ध्यान भावना करना जरूरी है। तो गृहस्थ में रहने वाले उपासक उपासिकाओं को ये 3 चीज ध्यान देना है, श्रद्धापूर्वक दान देना है, शील हमेशा पालन करना है, ध्यान भावना करना है। दान देने के लिए जो अपनी क्षमता है वो पूर्णत क्षमता के साथ अच्छे काम करके भरपूर पैसा कमाना है। केवल खाने पीने के लिए परिवार के पालन पोषण के लिए उतना ही कमा के नहीं बैठना, उतना ही कमा के बैठेंगे तो फिर दान क्या देंगे, तो उससे भी ज़्यादा हमें कमाना है फिर हम दान दे पाएंगे। अच्छे काम करके कमाना है, बुरे काम करके नहीं। बुरे काम करके कितना भी पैसे कमा के दान दिया तो भी उसका इतना फल नहीं होता। तो अच्छे काम करके मेहनत करके चाहे 5-10 रुपए क्यों ना हो एकदम श्रद्धा चित्त से दान दिया तो उसका पुण्य ज्यादा रहेगा। अब सील पालन करना है तो अच्छे सील ही पालन करना, बुरे बुरे नहीं, दूसरों को दुख कष्ट देने वाला नहीं, अच्छे सील को हमेशा पालन करना है और ध्यान भावना करते रहना। ये 3 उसमें से दान के विषय में आप लोगों को एक
छोटा सा कहानी बताता हूँ। दान जब मन में आया तुरंत करना चाहिए, लेकिन मानिए दान देने का मन हो गया और बाद में लगा कि अतन को नंदर दे, अभी नहीं बाद में दूंगा, बाद में दे ही नहीं पाएंगे, वो देने का त्याग चित्त उत्पन्न ही नहीं होगा, लोग उसको जकड़ लेगा। इसलिए जब मन में आए तुरंत दान देना चाहिए। श्रावस्ती नगर में एक गरीब परिवार रहते थे। परिवार में सिर्फ पति पत्नी दोनों ही, और उन समय में बाहर जाते समय ऐसे सातक जो बोलते हैं सातक ऐसे ओढ़ के जाना रहता है, पर दोनों के पास सिर्फ एक सातक ही था, इसलिए उन लोगों को एक सातक ब्राह्मण भी कहते हैं, सात एक ही। तो उस वजह से वो लोग क्या करते, जब पत्नी बाहर जाते तो पति घर में, और जब पत्नी वापस आए तो पति बाहर जा सकते हैं, दोनों में एक ही बाहर जा सकते हैं। ऐसे हालत बहुत ही गरीब। कैसे कैसे वो लोग भी बिहार में जाने लगे, बुद्ध का उपदेश सुनने लगे, तो उसके पत्नी दिन भर बिहार में जाके धम्म देशना सुन के आए, और रात के धम्म देशना सुनने के लिए वो एक सातक ब्राह्मण वो लेके गए धम्म देशना सुनने को। रात का माहौल शांत रूप से धम्म देशना हो रहा था। धम्म देशना सुनते सुनते वो ब्राह्मण के मन में लगा, अरे दान तो देना चाहिए, इतना अच्छा दान है, दान देते ही पुण्य मिलता है, न जाने हमने पहले दान नहीं दिया होगा, अभी इतना दरिद्र गरीब है, अभी भी दान नहीं देंगे तो बाद में भी कुछ नहीं मिलेगा, नहीं दान तो देना चाहिए, अभी दान देना चाहिए, तो क्या है अपने पास, बहुत गरीब है, कुछ भी नहीं दान देने के लिए। फिर सोचा, अरे मेरे पास एक सातक तो है ना, ये ओढ़नी तो है ना, चलो इसी को दान देते। फिर सोचा, नहीं 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 नहीं, घर में तो एक ही है, ये भी दान दिया तो हम पति पत्नी कैसे बाहर आएंगे, अभी तो एक एक करके हम बाहर आने को मिल रहा है, नहीं 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 ये दान नहीं देना करके वो उसको पकड़ के बैठे रहे, धम्म देशना सुनते रहे। रात्रि के प्रथम प्रहर बीत गए, द्वितीय प्रहर में फिर उसके मन में आया, अरे इतना अच्छा दान का प्रशंसा हो रहा है, दान देने से कभी हानि नुकसानी नहीं होगा, कल्याण ही होगा, चलो अभी दान देंगे, चलो ये दान ही देते हैं। ऐसा सोचा, फिर अरे ये तो मेरा ही डिसीजन हुआ ना, मेरा ही निर्णय हुआ ना, मैंने अपने पत्नी को तो पूछा ही नहीं, अगर वो गुस्सा कर किया तो क्या करेंगे, एक ही तो सातक है, मैं कैसे दान दो, नहीं देते करके वो उस समय भी शांत बैठा। द्वितीय प्रहर भी बीत गया, रात्रि के तृतीय प्रहर या सुबह सुबह के समय में फिर उसके मन में आया, चलो दान तो देना ही चाहिए, इतना अच्छा धम्म देशना हो रहा है, दान के विषय में बात हो रहा है, चलो दान तो देता ही हूं, दान देना आसान नहीं है, दानंच युद्धंच समान माहु कहते, दान देना और लड़ाई में युद्ध जितना समान है, युद्ध जितना आसान काम है क्या, नहीं, वैसे दान देना भी आसान काम नहीं है, खूब खूब ले भारी मुश्किल है, हाँ लोग को जीत के दान देना बहुत ही मुश्किल काम है। तो रात्रि के तृतीय प्रहर या सुबह सुबह के समय में उसने ठान लिया, चलो जो होगा देखा जाएगा, मैं ये तथागत बुद्ध को दान दूंगा तो न जाने कितने कितने समय के लिए मेरा कल्याण होगा, हमारा कल्याण होगा, चलो दान देते ही है करके उसने वो और नहीं निकाला, तथागत बुद्ध को दान दे ही दिया। अभी श्रद्धा चित्त से दान दिया तो अंदर से उसको इतना अच्छा लग रहा था, इतना पुण्य से रोमांच हो रहा था, रोम रोम खड़ा हो रहा था, तो वो अचानक से उसके उद्गार उसके मुंह से निकला, मैं जीता। वो मुंह से चिल्लाने लगा, मैं जीता, मैंने जीत लिया। और वही समय में कौशल देश के राजा बाहर प्रत्येंद गांव में जाके, वही श्रावस्ती पहुंचने से पहले वो जेतवन बुद्ध विहार आते हैं,
तो बिहार में थोड़ा सा फ्रेश होके भगवान बुद्ध को दर्शन करने के लिए आए थे सुबह सुबह। तो ऐसे समय में अचानक से वो ब्राह्मण चिल्लाए ना, मैंने जीत लिया, मैंने जीत लिया, जीत लिया, मैं जीता, मैं जीता। वो राजा सुनते ही, अरे कहीं इसने मेरे राज्य तो नहीं जीता। वो घबराने लगे, तुरंत दूत को जाओ देखो क्या है। हाँ, सबको भेज दिया और खुद भी वो ब्राह्मण के पास जाके पूछा, अरे ब्राह्मण क्या जीत लिया तुमने, मेरे राज्य को जीत लिया क्या? वो कहते हैं, नहीं 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 नहीं, मैंने अपने मन के लोभ को जीता। मेरे पास एक ही शातक था, एक ही ओढ़नी, वो ओढ़नी था, वो भी मैंने तथागत बुद्ध को दान दिया, इसलिए मैंने अपने लोभ को जीता, इसलिए मैं चिल्लाया, मैंने जीत लिया, मैंने जीत लिया। तो राजा भी निश्चिंत हो गया, चलो मेरे राज्य तो नहीं जीता। फिर राजा सोचते हैं, जिसके पास कुछ भी नहीं है, देखो वो इतना गरीब कि ओढ़ने के लिए भी एक ही है, और वही एक घर में एक जन रख के कभी पति पत्नी भी साथ में बाहर नहीं निकल सकते, ऐसी हालत है, फिर भी उसने दान दिया, ये छोटी मोटी बात नहीं है, ऐसे दान देने वालों का उपकार करना चाहिए। ऐसा सोच के उसने तुरंत मंगा के अच्छा दो कंबल, दो ओढ़ने उसको दे दिया, उसके पति पत्नी को। अभी वो ब्राह्मण के मन में इतना मतलब पुण्य का संचार हो रहा था, वो दो मिल गया तो तुरंत उसने फिर तथागत बुद्ध के पास जाके उसको भी दान दिया। फिर राजा ने देखा, अरे दो दान दिया, वो भी दान दिया, इतना श्रद्धा, चलो इसको उपकार करते करके फिर चार अच्छा कंबल मंगा के उसको दिया। फिर वो ब्राह्मण ने वो भी तथागत बुद्ध को दान दिया। फिर राजा ने चलो इसका उपकार करते करके आठ कंबल दान दिया, वो आठ भी ले जाके तथागत बुद्ध को दान दिया। फिर राजा ने चलो इसको 16 कंबल दे दे करके 16 दिया, वो भी तथागत बुद्ध को दान दिया। फिर राजा ने उसको 32 कंबल दान दिया। फिर वो ब्राह्मण को होश आया, अरे राजा ने दिया है, जैसे जैसे दिया मैं दान दे रहा हूं, अभी ऐसा नहीं। उसने 2 कंबल अपने पास रखा, बाकी सबके सब दान दिया। तो ये देख के ये राजा ने बहुत अच्छा 2 कंबल उसको दान दिया था, तो वो 2 कंबल में भी एक कंबल पूरा वो तथागत बुद्ध के जो कुटी है ना उसके ऊपर पूरा जो हम नेट जो मच्छरदानी जैसा अच्छे से सजा के रखवा दिया वो ब्राह्मण ने, और ये अपने घर के बाहर अच्छे से सजा के रखा ताकि भिक्षु लोग श्रावस्ती नगर में भिक्षाटन जाते समय आते समय वहाँ आराम कर सके। तो ये बात है, जब राजा ने देखा, राजा इतना प्रसन्न हुआ, इतना प्रसन्न हुआ, चलो ये ब्राह्मण का उपकार करते करके दरबार में बुला के सर्व चतुष्क या हर तरह का चार चार प्रकार के उसको दान दिया। चार चार बोले तो 4 हाथी, 4 घोड़ा, 4,000 कासापन, 4 गांव, 4 स्त्री, 4 दासी, है ना, हर तरह के चार चार उसको दे दिया। अभी 4 गांव मिलने के बाद है ना वो तो बहुत श्रीमंत हो गया, उसका जीवन तो बहुत आराम से निकला। एक समय भिक्षु लोगों में बातें होते हैं कि वो एक शातक ब्राह्मण जिसके पास कुछ भी नहीं था, आज राजा की कृपा से इतना इतना हो गया, देखो दान का फल यहीं के यहीं मिल गया। फिर तथागत बुद्ध आके भिक्षु क्या बातें कर रहे थे, तो ऐसे ऐसे बात है। तो तथागत बुद्ध कहते हैं, भिक्षु अगर वो एक शातक ब्राह्मण ने रात्रि के प्रथम प्रहर में जैसे मन में आया दान देने का, तभी के तभी दान देते तो उसको हर प्रकार के 16 प्रकार के मिलता था, जो 4 मिला ना वो 16 मिलता था। नहीं दान दिया, रात्रि के द्वितीय प्रहर में भी अगर वो एक शातक ब्राह्मण ने दान देते तो हर तरह का 8 प्रकार का मिलता था, तब भी दान नहीं दिया। और रात्रि के तृतीय प्रहर में उसने दान दिया, दान तो दिया ना, इसलिए
हर तरह का चार 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 मिला। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं दान जैसे मन में आया देना चाहिए, पुण्य करने का जैसा मन में आया, जिस तरह से मन में आया तुरंत करना चाहिए। बाद में करते रहेंगे तो वो पुण्य भी नहीं कर पाएंगे, वो दान भी हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये तथागत बुद्ध का उपदेश है, तथागत बुद्ध के वाणी है। चाहे दान देना हो, चाहे शील पालन करना हो, चाहे ध्यान भावना करना हो, तुरंत करना चाहिए, बाद में करके नहीं बैठना चाहिए। समझ में आए क्या? इसलिए हम भी जीवन में खूब सारा पुण्य करते जाना है, कर्म करते जाना है, और जैसे मन में आया तुरंत वो पुण्य करना है, और पुण्य करने का माहौल भी बनाते जाना है। चाहे दान देने का हो, चाहे शील पालन करने का हो, चाहे ध्यान भावना करने का हो, कुछ भी हो, ऐसा माहौल हमें बनाते जाना है। खुद भी पुण्य करना है, अपनों को भी पुण्य करवाना है। खुद भी सुख शांति पूर्वक जीना है, अपनों को भी सुख शांति पूर्वक जीने के लिए प्रेरणा देना है। इसलिए विशेषतः लुम्बिनी वृत्त विहार में आने वाले संपूर्ण उपासक उपासिकाएं तथागत बुद्ध के धर्म को अच्छे से जान के समझ के पालन भी कर सके, अभ्यास भी कर सके, और जीवन में ढेर सारा पुण्य धर्म करते करते ये दुर्लभ या मूल्य ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, और अंत में सभी दुखों से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये छोटा सा धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। अभी पूजनीय भिक्षु संघ बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। विशेषतः आज ये अंकुश की वजह से, ये ताई क्या नाम, मीरा ताई की वजह से हम यहाँ आए हाँ, तो यहाँ भोजन दान भी हुआ पूजनीय भिक्षु संघ को, और लुम्बिनी बुद्ध विहार में अच्छा खासा कार्यक्रम भी हुआ, चार चार बुद्ध पुत्र भिक्षु सामने लोग हमें प्राप्त हुआ। ये बहुत बड़ा पुण्य है, धम्म है। इस पुण्य के अनुभव से, इस धम्म के अनुभव से बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से ये अंकुश परिवार, ये मीराताई परिवार, ये लुम्बिनी बुद्ध विहार परिवार और संपूर्ण उपासक उपासिकाएं अपने बंधु बांधव परिवार सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। बुद्ध का आशीर्वाद, तम का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा जीवन में रहे। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए पूजने भिक्षु संघ बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सब लोग हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। सबे तेओ विवाजन्तु सब रोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखे दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। ईक्षितं पोषितं दुह्यङ्गिपमेव समेचतु सर्वे पुरेन्तु चेतसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निर्वाण सम्पत्ति
हेमेनाते समे सतो साधो। जोर से बोलिए साधो साधो साधो। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वंदामि सर्वदा। सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। तम्मं नमामि, तम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।